संगम विश्वविद्यालय भिलौड़ में स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रिसर्च एंड इनोवेटिव ट्रेंड्स इन अप्लाइड साइंस 2018 का आयोजन 22-23 दिसंबर को किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में देश भर से विज्ञान एवं कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रोफेसर एवं शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भौतिक शास्त्री प्रोफेसर श्याम लाल काकानी एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी यादव ने माँ सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। प्रोफेसर काकानी ने विज्ञान के संदर्भ में 21वीं सदी में नैनो तकनीक द्वारा विकास की संभावना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि नैनो तकनीक का उपयोग हाईटेक उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल के अतिरिक्त ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे क्लीनर एनर्जी, बेहतर कृषि उत्पादन, सुरक्षित पीने के पानी के समाधान उपयोगी बताया। विद्यालय के अंदर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च एंड इनोवेटिव ट्रेंड्स इन अप्लाइड साइंसेज का आयोजन किया जा रहा है 22 और 23 दिसंबर को। और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य शोधार्थियों, प्रोफेसर्स एवं उद्योग जगत के लोगों को एक मंच प्रदान करना है जिसपे कि वह अपने द्वारा किए गए शोधों को और जो ज्वलन समस्याएं जो अभी चल रही हैं और उनके लिए क्या टेक्निक जो है वो उसको पे हम काम किया जा रहा है और क्या टेक्निक्स हैं जिसको हम इस तरीके से काम में लें कि आने वाले समय में वह समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी साबित हो और उसके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर सके। मैं डॉक्टर प्रीति मेहता, कन्वीनर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। मैं डॉक्टर हरीश नागर, डिप्टी डीन संगम यूनिवर्सिटी। आज मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ नेशनल मैथमेटिक्स डे 2018 में। आज का दिन श्री रामानुजन आचार्य जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शुरुआत भारत में 2012 से शुरू हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस दिन को मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब इस दिन हम लोग मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन इवेंट्स में आज हम जैसे एक कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि देश विदेश के और हमारे इंडिया से कई शोधार्थी और प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तात्कालिक संदर्भ में जो हो रहे वातावरण में चेंजेस और जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन पर तात्कालिक जो वातावरण में चेंजेस हैं उन पर जोर दिया जाएगा और उनमें होने वाले सुधारों पर डिस्कस किया जाएगा।